अगर आप दोस्तों एक स्टूडेंट हो तो आपको इन पांच बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये पांच बातें वो है जो आपकी स्टूडेंट करियर को काफ़ी अच्छा बना सकती है। तो हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म, और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी पांच बातें बताने वाला हूँ जो स्टूडेंट की लाइफ और करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें दोस्तों जो फोर्थ वाला पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आपकी लाइफ चेंजिंग कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेक योर एम। आपको सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको सबसे पहले अपना एक सपना फिक्स करना पड़ेगा कि यार मुझे ये कंप्लीट करना है। काफ़ी लोग की दोस्तों यहाँ पर एम नहीं होते, किसने बोला ये करो तो वो कर लिया, किसने बोला ये करो तो वो कर लिया, नहीं इन पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि दोस्तों करियर आपका है। आपको नौकरी करनी है तो भैया आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे ये नौकरी करनी है, क्योंकि नौकरी में दोस्तों आपको मजा आना चाहिए। जब मजा आता है तो पैसा आने में देरी नहीं लगती है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों आपका एम फिक्स करना कि यार मुझे ये करना है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके चाचा के जो भी चाचा के सन है उन्होंने इंजीनियरिंग करी तो आप इंजीनियरिंग करें, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में स्कोप है, अगर आपको दोस्तों कुछ भी आता है ना उसमें ही आजकल स्कोप हो गया है, तो आप उन चीज़ को अच्छे से करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म फायदा होगा। सेकंड आता है दोस्तों मेक योर टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल बनाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई नो सभी के पास टाइम टेबल होगा बट कोई फॉलो नहीं करता, नहीं करता, ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको टाइम टेबल ये बनाना है कि यार मुझे ये काम आज कंप्लीट करना है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में दोस्तों अगर ये हैबिट आ गई ना तो आपकी लॉन्ग टर्म फायदा देगी। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है, टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इग्नोर सोशल मीडिया। दोस्तों सोशल मीडिया का इतना यूज करो कि आपका फायदा हो जाए, इतना भी नहीं कि आपका टाइम खराब हो जाए। सोशल मीडिया पे दोस्तों वो लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिनके एम नहीं होते। आपने कभी देखा है कि गूगल के सीईओ आके सोशल और ये मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं? नहीं करते दोस्तों, उनका काम है आए एक बार देखा और चले गए। तो आपको भी सेम वही बनना है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया आप लोगों के लिए नहीं है, आपके एम अलग है। अगर हाँ, अगर आपका एम सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग है तो आप सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरा एम नहीं है तो आपको सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड नहीं करना। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हमारे फोन में तो इंस्टाग्राम ही नहीं, ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए ना। अगर आपने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया तो चीजें एक्सेस करती है, कोई सुनिए। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट आता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फुल डे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका समय कहां जा रहा है पूरे दिन में। पूरे दिन में दोस्तों 24 घंटे होते हैं, आपको ये देखना है कि मेरा समय सबसे ज्यादा किस चीज में जाना है। ये बहुत जरूरी है, यहां पर आपको बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अगर आपने देखा कि यार मेरा करीब 4 से 5 घंटा किसी से बात करने में जा रहा है, सोशल मीडिया पर जा रहा है, या मैं सो रहा हूं आराम से, या मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो उसको आपको अवॉइड करना है, उसको कट कर देना अपनी लाइफ में से। मान के चलिए आपका दोस्तों 4 घंटे जाते हैं कि आप मार्केट जाते हो 4 घंटे में आते घूम घुमा के, तो आपके लिए टाइम बर्बाद करने वाला सीन है, उसको काटो और उसको इंप्रूवमेंट करो। और दोस्तों फिफ्थ है आपका साइड इनकम। दोस्तों पार्ट टाइम कोई भी जॉब अप्लाई कर दो, जिससे क्या होगा आपको साइड इनकम मिलती रहेगी और आपका माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों पैसा कमाना सभी को अच्छा लगता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी भी कुछ नीड होती है, आपको भी कुछ चाहिए इनकम सोर्स, तो आप लोग पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो मैंने दोस्तों इसके लिए अलग से पहले वीडियो बना दिया, उसको आप लोग देख लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।